तो भाई लोग ये है मेरे पास अभी RS 350। तो पहला इम्प्रेशन भाई एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप तो मतलब डैम यार बट है कूल एग्जॉस्ट नोट क्या है मेरे हिसाब से ना बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग टूर नहीं करना चाहते हो तो आप आउट ऑफ 10 में से अगर मैं रेटिंग करूँ तो भाई लोग ये है मेरे पास अभी RS 350 होंडा की। सो मैं अभी टेस्ट राइड लेने जा रहा हूँ, इसकी डिटेल में बताऊँगा इसका क्या मतलब, तो पावर के बारे में, कंफर्ट के बारे में, जो आप शुड यू बाय और नॉट। सो पहला इम्प्रेशन बैठा हूँ मैंने, स्टार्ट करा है थोड़ी सी मेरे को जैसे अब मेरा हाँ ठीक है, यूज टू है भाई एग्जॉस्ट नोट। भाई भाई लिटरली यार मतलब क्या फील दे रही है बाइक। अभी मैंने एक थ्रोटल ही दिया ही है, भारी तो लग रही है क्योंकि मैं एक्टिव चलाता हूँ ना, भारी लग रही है यार मेरे को मतलब एग्जॉस्ट भाई। इधर को ही चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अभी CB हाईनेस नहीं RS 350 चला रहा हूँ होंडा की, जो बहुत सही बाइक है। अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसका कंफर्ट बहुत सही है, मतलब कॉम्पैक्ट है एक टाइम से और थोड़ा यूज टू लग रहा है एक बार। मतलब इसका एग्जॉस्ट यार एग्जॉस्ट नोट है मेन इसकी जो खासियत है, एग्जॉस्ट नोट बहुत सही है इसका यार, उसका मैं फ़ैन हो गया हूँ। और थैंक्स फॉर होंडा विंग, इन्होंने मेरे को एक टेस्ट राइड लेने दी क्योंकि डिटेल कम मेरे पास ज़्यादा वक्त टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा। सो पहला पहला इम्प्रेशन है इसका वाओ। सो अभी मैं इस बाइक पे बैठा हूँ तो मेरा पहला इम्प्रेशन क्या आ रहा है इस बाइक का, एग्जॉस्ट नोट तो मतलब डैम यार व्हाट अ कूल एग्जॉस्ट नोट। और जो दूसरा एक्सप्रेशन आ रहा है इस बाइक को देख के वो है, यहाँ से मेरे को लग रहा है पीछे जाना पड़ेगा, जा सकते हैं इधर को। हाँ, पीछे चले क्या, पीछे जाना पड़ेगा। सो जो अभी मैं आप लोग को एग्जॉस्ट नोट सेकंड इसका मतलब सीट कंफर्ट मतलब ठीक है मेरे हिसाब से ना बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग टूर नहीं करना चाहते हो तो आप इस बाइक को मतलब मेरे हिसाब से आप इस बाइक का दूसरा वेरिएंट खरीदें हाईनेस का, क्योंकि ये थोड़ा पोस्चर ऐसे है थोड़ा सा डाउन क्योंकि थोड़ा कैफे रेसर टाइप की लुक देता है ये, बट इसका रिफाइनमेंट इंजन की यार मतलब 350 cc इंजन है और क्या फील दे रहा है यार ये बाइक, रिफाइनमेंट बहुत सही है इस इंजन की। अब इन तो पहला इम्प्रेशन तो मेरा इस बाइक पे बैठ के ये आ रहा है कि इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट बहुत बेसी है और मतलब पूरी डाउन शिफ्ट की फील दे रहा है ठीक है। और कंफर्ट इस बाइक का आउट ऑफ 10 में से अगर मैं रेटिंग करूँ तो कंफर्ट इस बाइक का है आपका 10 में से 7। उसका रीज़न ये रहा कि इसका थोड़ा सा आगे को है क्योंकि जो बेसिकली अगर आप इसे टूरिंग के लिए बाय करना चाहते हो तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपराइट पोजीशन होना चाहिए, बट ये थोड़ा आपको थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लेनी ही पड़ेगी है ना। तो थर्ड पॉइंट है इसका पावर, पावर यार अगर इसको कंपेयर करें क्लासिक वगैरह से तो मतलब बहुत ज़्यादा पावर है इसमें यार, क्लासिक वेरिएंट के साथ में क्लासिक वगैरह के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा पावर है यार इसमें, उस चीज़ को लेके तो मैं डाउटफुल नहीं हो सकता हूँ उसके कम। पता नहीं क्यों मेरे हिसाब से अगर लोग इस बाइक की अभी टेस्ट राइड लेंगे ना तो डेफिनेटली क्लासिक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये बाइक बहुत आगे है, बहुत ही ज़्यादा आगे है, हद से ज़्यादा। क्योंकि वो पहला तो उस बाइक का जो वेट है ना क्लासिक का वो मैनेज नहीं है मेरे हिसाब से, जब 80-90 के ऊपर ब्रेक लगाते हो ना तो वो बाइक ना मतलब स्टॉप करना बहुत मुश्किल है, और ये वाली बाइक डेफिनेटली आई डेफिनेटली सजेस्ट दिस वन।
और आप लुक चेक करिए, इस बाइक का टॉप वेरिएंट है, मतलब इसमें काफ़ी फीचर्स आते हैं, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, सारा डिस्कस नहीं कर सकता। सो ये वाली बाइक जो हम भी बाय करने के लिए आए हुए हैं।